सो गाइस, फोटो एडिट करने के लिए पहले मुझे लाइट रूम के अंदर इंपोर्ट करना होगा, जो कि मैं कर चुका हूँ। तो इस चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। और ये ओपन हो चुकी है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। और यहाँ पर जो ऑटो की जो सेटिंग होती है, हम इस पर क्लिक कर देंगे ताकि इसका जो एक्सपोज़र है वो ऑटोमेटिक फ़ोटो के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। तो ये हो चुका है, चलिए इसकी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम जाएंगे कलर सेटिंग में। इसका टेम्परेचर हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लगभग 10 के अकॉर्डिंग, 10 पे। चलिए मिक्स के अंदर चलते हैं। हम जो येलो कलर है उसकी ह्यू को बिल्कुल ही कम कर देंगे और सैचुरेशन को फ़ोटो की कलर के अकॉर्डिंग बढ़ा देंगे। आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग उसे बढ़ा घटा सकते हैं। ग्रीन कलर के साथ भी हम ऐसे करेंगे, ह्यू को बिल्कुल ही कम, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और जो स्किन कलर है वो थोड़ी सी येलोइश हो चुकी है, तो हम उसे थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो ह्यू को हल्का सा बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को कम करेंगे और इल्यूमिनेंस को बढ़ा देंगे ताकि स्किन थोड़ी सी ब्राइट हो जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में हो रहा है। चलिए रेड कलर को हल्का सा पिंक कर देंगे ताकि जो लिप्स का कलर है वो ठीक हो जाए। ये हो चुका है। जो बाकी के ब्लू कलर हैं उन्हें उनकी ह्यू को हम कम कर देंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर हम जो प्रोफाइल का ऑप्शन है, उस प्रोफाइल में से आर्टिस्टिक 3 को हम सेलेक्ट करेंगे और जो इसकी सेटिंग है उसको हम 200 तक ले जाएंगे। आप अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग से सेलेक्ट कर सकते हैं, 200 नहीं कर सकते, हम 167-169 के अप्रोक्स कर सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा फिर से कलर सेटिंग करते हैं, हल्की सी वाइब्रेंस और बढ़ा देंगे और टिंट का हल्का सा इफेक्ट, हल्का सा 16-15 के अकॉर्डिंग, और हल्की सी सैचुरेशन बढ़ा लेंगे। मिक्स में जाएंगे और जो स्किन कलर है वो थोड़ा सा रेड हो चुका है, तो उसको भी थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो सैचुरेशन को हम कम कर देंगे थोड़ा सा और ह्यू को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देंगे। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसकी क्लियरिटी बढ़ा देंगे। और ये जो डिहेज है, इससे इसमें थोड़ा सा डार्क इफेक्ट आएगा, तो इसे हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाएंगे 25 के समथिंग, और थोड़ा सा विग्नेट इफेक्ट डाल देंगे लगभग 25 माइनस। इसका मिड पॉइंट थोड़ा सा छोटा करेंगे और फैदर को बढ़ा लेंगे ताकि वो गोल शेप ना दिखे। और इसका थोड़ी सी नॉइस रिडक्शन करेंगे, थोड़ी सी शार्पनिंग ज़्यादा हो चुकी है और हल्की सी कलर नॉइस रिडक्शन भी लगभग 35 के अराउंड, और हल्की सी स्मूथनेस बढ़ा देंगे लगभग 65 तक। थोड़ा सा एक्सपोजर ठीक कर लेते हैं इसका, ब्लैक हल्का सा बढ़ा लेते हैं, वाइट हल्का सा बढ़ा लेते हैं। सो गाइस, पिक्चर हो चुकी है कंप्लीट। थैंक यू देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे यहाँ से सेव कर लेंगे, हाई एक्स अवेलेबल क्वालिटी पर करेंगे ताकि पिक्सल जितने अवेलेबल हों उतने मिल सके हाई एक्स।